हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल स्टडी केयर में। आज की इस वीडियो में हम लोग फ्रेजल वर्ब को ही कंटिन्यू करेंगे और इसका पार्ट वन और पार्ट टू मैंने अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आप लोगों को आई बटन में मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ब्रेक से टोटल 5 फ्रेजल वर्ब बनता है। ब्रेक अवे मतलब एस्केप, यानि कि भाग जाना। एग्जाम्पल है, द प्रिजनर ब्रोक अवे फ्रॉम द जेल। वैसे तो हम लोग ब्रेक मतलब जानते हैं टूटना, लेकिन ब्रेक अवे जुड़ जाने से इसका एक अलग ही मुहावरेदार मीनिंग हो गया है, यानी कि भाग जाना। तो द प्रिजनर ब्रोक अवे फ्रॉम द जेल, कैदी जेल से भाग गए। नेक्स्ट इज ब्रेक डाउन, मीन्स फेल, यानी कि गिर जाना। योर हेल्थ हैज़ ब्रोकन डाउन, तुम्हारा सेहत जो है थोड़ा सा गिर गया है या ख़राब हो गया है। ब्रेकअप मीन्स एंड, हिंदी मीनिंग है ख़त्म होना। द मीटिंग विल ब्रेक अप एट 6 PM, यानि कि मीटिंग जो है 6 बजे इवनिंग में ख़त्म होगा। 6 PM है इसलिए इवनिंग में। ब्रेक इन मीन्स एंटर बाय यूजिंग फोर्स, यानि कि ज़बरदस्ती घुसना। द रॉबर्स ब्रोक इन एट नाइट, जो डकैत है वो ज़बरदस्ती जो है रात में घुस गए। ब्रेक आउट मीन्स बिगिन सडनली, अचानक आगमन होना। सेंटेंस है, कॉलेरा हैज़ ब्रोकन आउट इन आवर लोकेलिटी। कॉलेरा एक तरह का बीमारी है। कॉलेरा जो है हम लोग के लोकेलिटी में अचानक से आगमन या फैल गया है। नेक्स्ट इज ब्रेक इन टू। ओह अच्छा, और 4 वर्ड्स हैं। ब्रेक इन टू मतलब एंटर बाय ब्रेकिंग, तोड़ कर घुसना। थीप्स ब्रोक इन टू आवर शॉप यस्टरडे, कुछ चोर यस्टरडे को हम लोग के दुकान तोड़कर घुस गए थे। ब्रेक ऑफ मीन्स स्टॉप, यानि कि बंद करना। सी ब्रोक ऑफ विद रीस्ट्रेंड इमोशन, उसने अपना रीस्ट्रेंड इमोशन को बंद कर दिया है, यानि कि अब वो इमोशन लेस होते जा रही है। ब्रेक थ्रू मतलब कि फोर्स्ड, यानि कि ज़बरदस्ती। अमोट ब्रोक थ्रू द पुलिस कॉर्डन। इस सेंटेंस में फ्रेजल वर्ब ब्रेक से ब्रोक हो गया। ये तो मैंने बहुत ही अच्छी तरह से अपने पार्ट टू वाले वीडियो में और साथ साथ पार्ट वन वाले में भी डिस्कस कर लिया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं यहाँ पे जिस्ट बता देती हूँ। ब्रेक जो है वो ब्रेक में बदल गया, क्योंकि वो पास्ट सेंटेंस होगा, इसीलिए। तो ब्रेक का पास्ट फॉर्म तो ब्रोक होता है, इसीलिए यहाँ पे अमोट ब्रोक थ्रू द पुलिस कॉर्डन, ये ब्रोक थ्रू वर्ड जो है इस्तेमाल हुआ है। ब्रेक का ब्रोक हो गया। नेक्स्ट इज ब्रेक फोर्थ, यानी कि कम आउट, प्रकाशित होना हिंदी मीनिंग। द मून ब्रोक फोर्थ फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स, चांद बादल के पीछे से प्रकाशित हो रहे, यानी कि अब जो है बादल हट रहा है और चांद हम लोगों को दिख रहा है। दूसरा कैटेगरी है ब्रिंग। ब्रिंग से भी बहुत सारे फ्रेजल वर्ब बन गए हैं। ब्रिंग अबाउट मीन्स कॉज, यानी कि कारण। व्हाट ब्रॉट अबाउट द क्वारल, दिस इज द सेंटेंस। इस झगड़े का क्या कारण है। ब्रिंग डाउन मीन्स लोअर, यानी कि कम होना। बम्पर क्रॉप्स ब्रिंग डाउन द प्राइसेस ऑफ थिंग्स, बहुत सारे अनाज उगने के कारण जो चीज़ों के दाम है वो कम हो गए हैं। ब्रिंग अप यानि कि रेयर, पालन पोषण करना। हर ग्रैंड मदर ब्रॉट हर अप आफ्टर द डेथ ऑफ हर पेरेंट्स, उसकी दादी माँ ने उसके माता पिता के मृत्यु के बाद उसका पालन पोषण किया। नेक्स्ट इज ब्रिंग फोर्थ मतलब होता है प्रोड्यूसेस, यानी कि उत्पन्न करना, पता ही है। इंडिया ब्रिंग्स फोर्थ जूट, इंडिया जो है जूट को उत्पन्न करता है, ये तो हम सबको पता है। इंडिया जूट को उत्पन्न करने में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट वर्ड है ब्रिंग इन, यानी कि इल्ड मतलब कमाना। ही इज लेबर ब्रिंग्स हिम इन ₹100 डेली, अपने मेहनत से वह हर रोज 100 रुपये कमाता है। ब्रिंग बैक मेक वन रिकलेक्ट, यानी कि याद आना। द नेकलेस ब्रॉट बैक हर पास्ट, नेकलेस से उसे जो है अपना पास्ट याद आ गया। नेक्स्ट इज ब्रिंग आउट, यानी कि पब्लिश, प्रकाशित करना। मिस्टर तिवारी हैज़ ब्रॉट आउट अ न्यू बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर, मिस्टर तिवारी ने एक इंग्लिश ग्रामर का नया किताब जो है प्रकाशित किया है, यानी कि पब्लिश किया है। ब्रिंग टू मीन्स रीस्टोर्ड टू सेंस, होश में आना। ही स्नूड बट वॉज सून ब्रॉट टू सेंस, वह बेहोश हो गया था लेकिन जल्द ही होश में आ गया।
ब्रिंग अंडर यानी कि सबड्यू मतलब अधीन में करना, अधीन में करना मतलब अपने अंडर में रखना। द गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड टू ब्रिंग द मिलिटेंट्स अंडर द कंट्रोल। गवर्नमेंट जो है फेल हो गया मिलिटेंट्स को अपने कंट्रोल में लाने से, वो अधीन नहीं कर पाया उन लोगों को। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आप लोगों से अब मेरे अगले शानदार और धुआंधार वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।